अरे यार, 11 बजने को आया यार, ये राजू किधर रह गया? हाँ ना, आज कॉलेज बंक किया है मूवी के लिए। मुझे बाद में डांस क्लास भी जाना है। भाई, तूने बोला तो है ना कि रेगुलर स्पॉट पे मिलना है, फिर भी नहीं आया। मैंने उसको खुद बोला था और शाम को कंफर्म भी किया था, फिर भी नहीं आया। यार बस छूट गए होगी उसकी यार, वैसे भी बस के पीछे भाग गया तो लेट तो होगा ना यार। देखो, बोला था कि उसको प्लान में मत घुसेड़ करके। बोला था कि ना? मैंने बोला था ना तुझे? हर बार का यार इसका। फिर अभी क्या करना है? क्या करना है? वेट करना है। सॉरी गाइस, लेट हो गया। बहुत लेट हो गया भाई। क्या यार राजू, आज तेरी वजह से मूवी का प्लान चौपट हो गया। तू टाइम पे आता तो अब हम मूवी देख रहे होते। तेरे वजह से ना आज मूवी की टिकट वेस्ट हो गई। यार गाइस, मैं क्या करूँ यार, मेरी आने वाली बस छूट गई और आधे घंटे के बाद एक बस थी, तो कैसे आता यार, समझो यार। अरे यार, तू बाइक क्यों नहीं ले लेता? बाइक लेगा तो बस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। भाई अपने ग्रुप में ना सभी के पास बाइक है, सिर्फ तुझको छोड़ के। देख, तुझे सेकंड हैंड भी चलेगी। अरे सेकंड हैंड बाइक क्या, साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है मेरे बाप के पास। अरे यार, कॉलेज की फीस भरते वही बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे होते हैं बट हमारे माँ बाप हमें देते नहीं। अब तू देख, मैं लड़की होकर घर से स्कूटी ले सकती हूँ, तू लड़का होकर बाइक नहीं ले सकता। भाई मुझे ही देख ले, मेरे को पिछले साल 40% आया, फिर भी मेरे बाप ने ये स्कूटर लेके दी। तुझे तो 75% आया, तुझे तो नई गाड़ी मिलनी चाहिए, बाइक। पर गाइस यार, मुझे नहीं लगता कि मेरा बाप मानेगा। अरे यार साले, रो मत, ट्राई कर ट्राई। हाँ यार, नहीं तो धमकी दे दे, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। फिर देख इस ट्रिक पे हम अपने घर वाले को कैसे बेवकूफ बनाते। ट्राई तो कर यार। बोल, मुझे गाड़ी लेके नहीं दी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, देख फिर कैसे मानते हैं तेरे पापा। ओके ठीक है गाइस, ट्राई करके देखता हूँ आज। सुनिए, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, एक दिन घर पे ही आराम कर लो ना। ये लो चाय पी लो। आपके पैरों के जख्म कितने बढ़ते जा रहे हैं और सूजन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं अगर आराम करूंगा तो राजू का पढ़ाई का खर्चा कैसा जुटा पाऊंगा? हम तो उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं ना। मेरा एक सपना है, पढ़ लिख के ना बड़ा आदमी बन जाए बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना काम करना जरूरी है क्या? आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है, आप राजू को क्यों नहीं बोलते पढ़ाई के अलावा भी कोई और भी काम कर ले? इससे हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और आपको आराम भी मिल जाएगा। नहीं गीता, उसको खाली अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, 6 महीने की तो बात है, परीक्षा तो नजदीक आ गई है, एक बार वो परीक्षा पास कर देना बस, आराम भी करूंगा, डॉक्टर को भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज डॉक्टर को दिखा लो। हाँ दिखाता हूँ। वो चाय तो पी लो थोड़ा। अरे राजू आ गया, देख तेरे पिताजी भी आज जल्दी आ गए हैं। चलो जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इससे क्या हुआ? रुको आने दो, मैं पूछती हूँ। अरे राजू क्या हुआ, नाराज दिख रहा है, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? माँ, पिताजी, मुझे बाइक चाहिए कॉलेज जाने के लिए। क्या, बाइक चाहिए? हाँ माँ, मेरे सभी दोस्त बाइक से आते हैं और कॉलेज में हर लड़का कार और बाइक से आता है, तो मुझे भी बाइक चाहिए। पर बेटा, तुम्हारे कॉलेज के लिए हमारे यहाँ से बस जाती है, इसके लिए हम आपको अलग से पैसे भी देते हैं, फिर बाइक की क्या जरूरत? बाकी लोग कैसे आते हैं, हमको क्या,
शिक्षा तो सबके लिए सेम है ना, हाँ राजू? और वैसे भी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुझे एक बाइक खरीद कर दे। अगर हैसियत नहीं है तो उस कॉलेज में एडमिशन क्यों कराया मेरा? आपको क्या पता वहां के सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाते। इससे अच्छा तो ये होता कि आप मेरा सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराते। बड़े कॉलेज में दाखिला इसलिए कराए ताकि तुझे अच्छी शिक्षा मिल सके और तू पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने, समझा? बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए उन जैसे तौर तरीके आने चाहिए, और अगर वही नहीं है तो क्या राजू? तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा ना तो फेल हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया ना तो अपनी जान दे दूंगा। और चढ़ाओ सर पे। हे भगवान, क्या करे? रामलाल, क्या बात है, आज नाराज दिख रहा है यार। राजू जिद कर रहे हैं बाइक के लिए। मालिक से बात हुआ है, मालिक बोले कल आके पैसा लेके जाए। मालिक का मूड बहुत अच्छा है, काम बन जाएगा तेरा। तबीयत संभाल अपना, ठीक है? चल। राम राम। आइए रामलाल जी, बोलिए। कल बात हुई थी आपसे, कुछ पैसा चाहिए था। हाँ रामलाल जी, बात तो हुई थी, लेकिन ऑलरेडी अपने पहले से ही काफी सारा कर्जा ले चुके हो, तो आप किस लिए चाहिए आपको कर्जा? राजू जिद कर रहे हैं बाइक के लिए, कॉलेज आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। वो तो सब ठीक है रामलाल जी, लेकिन ये सब कर्जा चुकाओगे कैसे? खाने के समय, शाम के समय ज्यादा काम करके पैसा चुका दूंगा मालिक। रामलाल जी, आपकी आधे से ज्यादा कमाई तो कर्जे में ही जा रही है। आप अपने लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ तो सोचो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे देता हूँ। लेकिन कोशिश करो जल्द से जल्द चुकाने की, ठीक है? धन्यवाद मालिक। माँ? हाँ? ये बाइक किसकी है अपने घर के सामने? अरे बाबा, अपने घर के सामने है तो अपनी ही होगी ना। क्या मतलब? तू जिद कर रहा था ना, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो तेरे पिताजी ने तेरे लिए लेकर आए हैं। क्या सच में माँ? ओ माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। अब खुश हो ना, चलो जाओ। बाय माँ। बाय। ये राजू, ये किसके बाइक उठा के लेके आया? मेरी बाइक है। क्या बात है राजू, मस्त मस्त। पार्टी कब है? पार्टी बाद में, पहले लॉन्ग ड्राइव। पिताजी, अरे क्या हुआ बेटा? पिताजी, मैं आज के बाद कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा। अरे नहीं, रोना नहीं।
रोना नहीं बेटे। पिताजी, आपको इतने तकलीफ में डाल के मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। माफ करो पिताजी मुझे। चलो चलो घर चलो।